नमस्कार, मैं हूं करणवीर मेहरा। सुशांत के निधन को अब एक साल होने को आया है। इस साल में मैंने सुशांत को कई बार याद किया, एक दोस्त के तौर, एक भाई के तौर। हालांकि उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। उसके बारे में जितनी अच्छाइयां करूं शायद कम है। मुझे याद है कि हम क्रिकेट साथ में खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कभी वीडियो गेम्स बैठ के खेलते थे, और रात को तो मस्ती का माहौल होता ही था। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। हमेशा अगले दिन का एक प्लान चॉक्ड आउट होता था, और उस प्लान के अंदर सब काम ख़त्म करने के बाद जब दोस्तों के साथ, मेरे साथ, हमारे कई और दोस्त भी थे, तब कि रात को क्या करना है या शाम को कहाँ जाना है, एक प्लान हमेशा सुशांत को चाहिए होता था कि अगले दिन का पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ही वुड बी द लीडर इन दैट, कि चलो मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ, तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो काम कर रहा है कहीं पे या बिज़ी है कहीं पे। फॉर अस फ्रेंड्स, एक फ़ोन करना था और ही वुड बी देयर फॉर यू, ही वुड हेल्प आउट, ही वुड एडवाइज यू, ही वुड सिट ऑन स्क्रिप्ट्स विद यू, किसी रोल की बात, किसी पिक्चर की बात। तो ये सारी बातें, मतलब अगर मैं याद करूं अभी तो बुरा भी लगता है कि जो हुआ, और थोड़े पल के लिए खुशी भी मिलती है कि क्या दिन थे वो। एक बहुत छोटी उम्र में सुशांत ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ। आई रिमेम्बर एक बार उन्होंने एक मैगज़ीन दिखाई थी, फोर्ब्स अंडर 30 अचीवर्स, जो एक बहुत बड़ा नाम होता है किसी भी यंग लड़के के लिए जो 30 साल का भी नहीं हुआ, टू कम इन दैट मैगजीन फोर्ब्स, सुना ही होगा आपने। सो वी ऑल वर वेरी इंस्पायर्ड कि हमें भी कुछ ऐसा करना था। हम भी चाह रहे थे कि डीकोड करके कुछ तो मंत्रा सीखें कि ऐसा इतना नाम, पैसा, शोहरत कैसे कमाया जाता है। तो सुशांत हमेशा एक बात बोलता था कि मेरे को सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, मैं सिर्फ वही करता हूँ, बाकी जैसे एक ब्लाइंडर्स लगे होते हैं कि पैसा, शोहरत और कुछ भी नहीं चाहिए, अपना काम करता रहूँगा, लोगों का प्यार मिलता रहेगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो दीज अचीवमेंट्स जो हमें बहुत बड़ी लगती थी, उसके लिए बहुत छोटी बात थी। आई थिंक सुशांत फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉज एन एक्टर ऑफ पार एक्सेलेंस। उनका काम चाहे आप कायपोचे देख लें, या शुद्ध देसी रोमांस देख लें, या दिल बेचारा देख लें, या बहुत ही एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस रहती थी उनकी हमेशा। और इसीलिए आई थिंक उन्होंने इतना प्यार वर्ल्ड ओवर कमाया है। आई थिंक हम सबको पता लगा कि जब सुशांत की डेथ हुई तो द वर्ल्ड केम टुगेदर टू नो द ट्रूथ। आई थिंक देयर वर फोर्सेस फ्रॉम एवरीवेयर विच वॉन्टेड द गवर्नमेंट, द CBI, एवरीबडी टू फाइंड आउट द ट्रूथ। एंड यू नो, एक फैमिली और फ्रेंड्स को एक कंक्लूजन मिले, पता लगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट ऑल पर्सनली आई फील के मतलब हमेशा एक ये चीज़ महसूस करता हूँ कि काश अगर वो होता और ये सब देख पाता कि कितना प्यार और कितनी इज्जत कमा चुका है था वो, यू नो, द रिस्पेक्ट दैट ही हैड अर्न, विच वॉज वे बियॉन्ड द मनी एंड वे बियॉन्ड यू नो द काइंड ऑफ जो भी आप सोच सकते हैं। एक बड़े से बड़ा एक्टर आई थिंक वर्ल्ड ओवर शायद इतना प्यार नहीं कमा पाता। सो आई जस्ट विश दैट ही वॉज हेयर टू सी ऑल दिस। तो ये चीज़ का हमेशा एक कम रहेगा कि वो खुद ही नहीं देख पाया कि वो एक कितना बड़ा स्टार था। एंड इफ ही वॉज हेयर तो आई थिंक दो राय नहीं है कि टॉप 5 में तो उनकी गिनती होती थी, लेकिन एक टॉप स्टार वो बन जाते, ये मतलब इसमें कोई दो क्वेश्चन ही नहीं थे। अभी भी इनफैक्ट इज़ द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट डिज़ायरेबल मैन ऑफ द ईयर 2020। तो ये सब मैगजीन देख के एक खुशी मिलती है और एक थोड़ा सा दुख होता है कि काश सुशांत ये सब देख पाता तो कितना अच्छा होता और उसे कितना मतलब हम ही इतना प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ के, दैट वी नो ही वॉज सच अ क्लोज फ्रेंड, तो उसको कितना अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से। बाकी बस यही कहूँगा कि दुआ में याद रखना उसको, जहाँ हो खुश हो। थैंक यू।